श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश टीएचडी कमीशन होने की संभावना कब तक है और टीएचडी कमीशन नॉन मेडिकल की तैयारी जो है कैसे हमें करनी है। अगर आप एस्पायरेंट्स हैं टीएचडी नॉन मेडिकल के और अपने कमीशन को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है और कब से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीएचडी कमीशन में जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएचडी कमीशन नॉन मेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, टीएचडी कमीशन नॉन मेडिकल। देखिए, तीन सब्जेक्ट तो सभी को पता है कि पीसीएम तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास फिजिक्स, दूसरा है हमारे पास मैथ्स, तीसरा है हमारे पास केमिस्ट्री। अब देखिएगा एग्जाम किस तरीके से होगा, ये लगना भी अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर वन पेपर टू होगा या जैसे हमारा ओल्ड पैटर्न था जो 2018, 19 और 20 में कमीशन हुआ उस पैटर्न के ऊपर एग्जाम आएगा। तो सभी चीजों को समझना अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है कर सकते हो। Is that clear? और टीएचडी कमीशन होगा कब तक वो मैं आपको इसके थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओल्ड पैटर्न के ऊपर पेपर आए चाहे न्यू पैटर्न के ऊपर पेपर आए, ये तीन सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल कंपल्सरी यानी मस्ट है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, पेपर न्यू पैटर्न आए चाहे पेपर ओल्ड पैटर्न आए। क्योंकि आप सभी को पता है अगर शिमला बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो पेपर वन पेपर टू के फॉर्म में होगा, अगर हमीरपुर बोर्ड हमारा पेपर करवाएगा तो वो संशय है कि पेपर वन पेपर टू होगा या ओल्ड पैटर्न के ऊपर पेपर होगा। Is that clear? तो ये चीजें हमें तभी पता चलेंगी जब नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगी, लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू करना पड़ेगी। आप अगर टीएचडी कमीशन के लिए सीरियस हैं तो तैयारी तो अभी से शुरू करना पड़ेगी आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो देखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट पढ़ना तो मस्ट है। फिर पेपर वन हो पेपर टू हो हमारे पास या जो हमारा ओल्ड पैटर्न जिसमें सिर्फ एक पेपर रहता था वो हो हमारे पास, तो ये चार सब्जेक्ट तो आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है, इनकी तैयारी आपको अभी से जो है अपनी स्टार्ट कर देनी होगी, अभी से शुरू करनी होगी। हम आपको बता दूं हमारे चैनल के माध्यम से फ्री कोर्सेज एज वेल एज पेड कोर्सेज दोनों अवेलेबल है टीएचडी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए, और हमारा न्यू कोर्स भी जो है लॉन्च हो रहा है, सिक्स्थ बैच हमारा लॉन्च हो रहा है जिसके क्लासेस 2 वीक्स में जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अभी तक आपको इस बारे में पता नहीं था, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को लाइक करो और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करो और सिक्स्थ बैच की जानकारी लो और आज इसमें एनरोलमेंट करो। लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट इसमें नहीं की जाएगी, थोड़ी ही सीट्स वैकेंट है, तो आपको आज ही सिक्स्थ बैच में अपनी एडमिशन लेनी है। एडमिशन इसकी स्टार्ट जो है पिछले 6 दिन से हो चुकी है। आज इस नंबर पर मैसेज करो, सिक्स्थ बैच की जानकारी लो और इसमें जो है एडमिशन लेकर अपनी तैयारी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के साथ शुरू करो। Is that clear? अब देखो, ये तो था अगर मान लो हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जैसे एक पेपर रहता है तो उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। अब मान लो जो अगर पेपर वन पेपर टू होता है तो आपके लिए देखिए जीके होगा इंपॉर्टेंट, हिंदी होगी क्योंकि सभी को पता है पीजीटी का एग्जाम अभी हुआ है और भी कई एग्जाम हो जिसमें पेपर वन में क्या क्या पूछा गया, जीके हिंदी और इंग्लिश। अब ये चीजें पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये चार सब्जेक्ट, लेकिन मेजर अगर पेपर टू होता है तो ये चार सब्जेक्ट बनेंगे, इनमें से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर कंबाइन आता है पेपर तो उसमें जीके हिंदी इंग्लिश भी जो है इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है, अदरवाइज पेपर वन में ये तीन सब्जेक्ट है। तो अभी से जो आपको तैयारी करनी है, जो बिल्कुल मस्ट तैयारी है आपकी, जो बिल्कुल कंफर्म सब्जेक्ट है कि यहां से तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइकोलॉजी और पेपर वन जो रहता है जीके हिंदी और इंग्लिश रहता है। अगर देखिए पेपर कंबाइन ओल्ड पैटर्न के ऊपर आए तब भी ये क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाती है।
अब बात आती है कि इनमें से क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं, प्लस वन और प्लस टू का कंप्लीट सिलेबस एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 5-6% जो है ग्रेजुएशन का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो कमीशन 2018, 2019 और 2020 में हुआ, इनके बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की गई है 2018-19-20। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, माफ कीजिएगा, अगर चैनल के ऊपर नए हैं आज ही प्लेलिस्ट को विजिट कर, अगर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में शुरू करना चाहते हो, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स की पूरी क्लासेस मिलेंगी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, साइकोलॉजी की सारी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स में तैयारी करना चाहते हो, ये रहा नंबर, इस पर मैसेज करो और आज ही जो है एडमिशन लो, उसमें एनरोल करो और अपनी तैयारी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के साथ जो है शुरू करो। सारी डिटेल्स यहां पर मैंने आपको बता दी। अब बात आती है अगर फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछा गया है 18-19-20 में, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, तो टॉपिक वाइज सिलेबस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें चैनल की, हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटा डाउट आपका क्लियर होगा। फिर भी और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात आती है कि टीजीटी कमीशन होने की संभावना कब तक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और टैट नॉन मेडिकल मतलब पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, आप सभी को पता है शुरू से लेकर अभी तक हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन, टैट नॉन मेडिकल के ऊपर, और अभी धीरे धीरे हम मेडिकल की फील्ड में भी जो है जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल में टीजीटी टैट का मतलब, नॉन मेडिकल का मतलब पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, ये आप सभी को पता है। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि वो भी जो है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, जो हमारे द्वारा कंटेंट दिया जाता है उसका फायदा उठा सके। अब बात आती है कि टीजीटी कमीशन जो है कब तक होने की संभावना है, मैं आपको बता दूं। देखिए प्रैक्टिकल बात करेंगे, पीजीटी कमीशन हो गया, टीजीटी बैचवाइज भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारी पोस्ट है वो भी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, ये आप सभी को पता है, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है, आपके सामने हर एक चीज है। सीट्स कन्फर्म है, सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है, और टीजीटी बैचवाइज भर्ती में अभी उनको अपॉइंटमेंट देना बाकी है। तो आप मान के चलिएगा 1-2 मंथ के अंदर आपको नोटिफिकेशन जरूर टीजीटी कमीशन की देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है एग्जाम नवंबर दिसंबर तक कंडक्ट करवा लिए जाए या फेब्रुअरी मार्च तक कंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में भी होता है एग्जाम, मार्च में भी होता है, ये तो कन्फर्म है कि एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि बैच वाइज कंप्लीट हो चुका है, अगर बैच वाइज हो जाता है तो कमीशन उतनी ही सीट्स के साथ आता है, ये कन्फर्म है। तो बहुत जल्दी कमीशन देखने को मिलेगा, तैयारी आपको आज से और अभी से स्टार्ट करनी है। पहला स्टेप आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा स्टेप आपका इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए, वैसे फ्री भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन पेड में थोड़ी सी चीजें ज्यादा रहती हैं, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। 6th बैच के एडमिशन स्टार्ट है, 2 हफ्ते में क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी से जल्द एनरोल करो, अपनी क्लासेस जो है हमारे साथ जो है शुरू कीजिए, अपनी तैयारी को जो है हमारे साथ शुरू कीजिए। कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एक ओवरव्यू दे देता हूं इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया गया कि किस तरीके से टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल की तैयारी करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है, पेड करनी है, फ्री करनी है, वो आपके ऊपर है। दोनों जगह कंटेंट जो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और पेपर वन जो रहता है हिंदी, इंग्लिश और जीके का, पेपर वन का कोर्स भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। 1 मंथ में जो है ये पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा और आपको जो है मिल जाएगा। सारी जानकारी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिलेगी, और अभी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करो, तभी आप जो है टीजीटी कमीशन तक, जैसे अगर नवंबर दिसंबर में होता है तो आप बिल्कुल कैपेबल होंगे टीजीटी कमीशन को देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं जितनी जानकारी आपको दी गई आपको अच्छे से जो है समझ आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।